हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी फोन में रिंगटोन नहीं बज रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके फोन में रिंगटोन का वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है या फिर आपके फोन में रिंगटोन बज ही नहीं रहा है? तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आपको एक सेटिंग चेक करनी होगी। इसके बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है वॉल्यूम का, रिंगटोन नहीं बजने का, वो सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इसके लिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लीजिए। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसा कि हमारा रिंगटोन नहीं बजता है कॉल आने पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिंगटोन वॉल्यूम, इसको हमें फुल कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप फुल कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिंगटोन का वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। अगर आप अपने वॉल्यूम बटन से कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बटन, ठीक है। बटन से हम लोग वॉल्यूम बटन से ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं, देख सकते हैं वॉल्यूम बटन से ऊपर नीचे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ये मीडिया का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोई आवाज़ इसमें प्ले होता है तो वो बजता है, उसका सिर्फ वॉल्यूम आप कम ज़्यादा यहाँ से वॉल्यूम से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यही सेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रिंगटोन का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, ये 3 डॉट या फिर 2 डॉट का ऑप्शन होता है, इस पर हमें क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अलार्म का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और ये जो होता है बीच में ये मीडिया का होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बेल का निशान दिया गया है ये होता है रिंग का, ठीक है, जो कि अगर आपके फ़ोन आने पे रिंग सुनाई देता है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको फुल कर दीजिए। ये जो नोटिफिकेशन के बगल में ये जो दिया गया बेल का आइकन, ये होता है रिंगटोन का वॉल्यूम का, ठीक है। तो आप इसको फुल कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाइए। आपका जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो रिंगटोन है वो फ़ोन करके देखिए, अगर रिंगटोन बज रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है तो आप एक बार ऊपर से स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद यहाँ से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं लगा हुआ है। अगर ये इस तरह से डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल है तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। अगर इस तरह से ये चालू है तो इसको आप बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होता है, जिस वजह से भी रिंगटोन सुनाई नहीं देते हैं। और इसके साथ आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये तो साइलेंट मोड में या फिर वाइब्रेशन मोड में तो नहीं लगा हुआ है। अगर वाइब्रेशन या फिर साइलेंट मोड में है इस तरह से, तो आप इसको भी बंद कर दीजिए। इतना करने के बाद आपका जो ये रिंगटोन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉल आने पर आवाज़ सुनाई देने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।